हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगी। गुड इवनिंग टू ऑल। यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और ये है 27th का वीडियो, बुधवार का वीडियो है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं मम्मी बेटा शाम की आरती। तो मैं नन्नू को बोल रही थी कि जब मैं आरती करूँ तो आप क्लैपिंग करना, बच्चों को सिखाना ही पड़ता है, अब उसको खुद से तो नहीं पता ना, तो बस उसको बता रही थी। और यहाँ पर मैं शाम की आरती कर रही हूँ। मॉर्निंग की मैं बहुत कम कर पाती हूँ बिकॉज़ मैं लेट उठती हूँ। अब लेट उठती हूँ तो नहीं हो पाता जल्दी से मैनेज वगैरह करना ना। एक तो रात को लेट हो जाता है वीडियो के चक्कर में, फिर मॉर्निंग में लेट। बस यही है कि मॉर्निंग में रेगुलरली मेरे हस्बैंड करते हैं, मॉर्निंग वो स्किप ही नहीं करते हैं मॉर्निंग में, और शाम की मैं कर लेती हूँ। तो बस साइड में हस्बैंड बैठे हैं, वो अपना न्यूज़ देख रहे थे। हम यहाँ पर आरती कर रहे हैं और यहाँ पर आप भी ले लो भगवान जी का आशीर्वाद। भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरी कर। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और ये मैं निकाल रही थी अदरक चाय के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा किचन का क्लीनिंग व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। क्लीनिंग वाला वीडियो ही पसंद आता है आप लोगों को मेरा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँ क्लीनिंग वाले वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट आपको किसके ऊपर क्लीनिंग वाला वीडियो देखना है। मैं सेपरेट में ही बनाया करूँगी, अब अलग अलग रूम का एक बनाती तो यार मैं खुद थक जाती हूँ सच बताऊँ तो। एनीवेज, यहाँ पर मैं निकाल रही थी सब्जी जो कि मुझे बनानी है और नन्नू की मस्ती चलती जा रही है, वो बार बार फ्रिज खोल रहा था, डांट भी खा रहा था। तो बस मैंने चाय में डाल दिया है, दूध किया मैंने निकाल दिया कि, और आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। तो कोफ्ते किस किस को पसंद है ये भी कमेंट करना। सॉफ्ट सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। मैं सही बताऊँ तो मेरे से पहले अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनते थे, सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से बिल्कुल हार्ड बनते थे पहले, जैसे पत्थर की तरह जैसे बनते थे मेरे कोफ्ते। तो अब जैसे कि मैं अब बनाती हूँ ना, वैसे मेरे कोफ्ते सॉफ्ट भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने घी को छील लिया है, वॉश कर लिया है, और तब तक मेरे सिम पे ही चाय बनाती हूँ। मैं कभी भी तेज भी नहीं बनाती हूँ, सिम पे ही बनाने में मज़ा आता है, चाय पीने का फ्लेवर अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं घी को घिस रही हूँ, साथ साथ हस्बैंड से बात हो रही है। और आज ना मेरे टीथ में बहुत दर्द हो रहा था जिस वजह से मेरे से मतलब यहाँ बात होती तो हो रही थी, वैसे मैं बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। उसकी वजह से मेरे कान में और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। पता नहीं ये कब ठीक होगा। और मैं सही बताऊँ तो मैं अभी भी कर रही हूँ ना एडिट, तो मेरे को अभी भी पेन हो रहा है, मेरे कान में ज़्यादा हो रहा है पेन ना। तो बस ये देखो, बातें करते करते मेरा जो घिया है वो घिस रहा है, उसे अच्छे से घिसना है। और मैंने एक ही लिया है, दो बंदे हैं तो एक में ही चल जाता है, अगर बड़ी फैमिली है तो आप दो ले सकते हो। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि आप आ जाओ चाय छान दो, तो वो यहाँ पर आए हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने उनको एक काम के लिए बोला है और वो कुछ बोल रहा, वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे बट मैंने म्यूट कर दिया है। तो बस यहाँ पर वो चाय छान के चले जाएंगे। और मैंने चाय ना थोड़ी देर बाद पी थी, मैं भूल गई थी सच बताऊँ तो। मैंने पहले सोचा चलो कोफ्ते बना लेते हैं क्योंकि इसको फ्राई भी करना था तो बहुत टाइम लग जाता है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर पे डिनर 8 बजे हो ही जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ भाई मैं 7:30 तक बिल्कुल फ्री रहूँ, कोई काम ज़्यादा देर तक ना रहे, नहीं तो खाने में लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं साथ साथ ही खड़ी हो जाती हूँ। मतलब मैं 6:30-7 बजे किचन में खड़ी हो जाती हूँ कि फटाफट मेरा बन जाए, उसके बाद बहुत टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो घी को घीसा था ना, तो उसी को मैंने उसमें से पानी निकाल दिया क्योंकि घी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है, और मेरे को आइडिया नहीं है कि मैंने कितना बेसन डाला है, मैं कोई मेजर करके नहीं डालती हूँ, जितना अपने आइडिया से ही डाल देती हूँ। तो बेसन में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 से 1.5 कड़छी सूजी। अगर आप सूजी डाल के पकौड़े बनाते हो तो आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। प्लस में गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया ना तो ऐसे मतलब सूजी डाल के ट्राई करना, आप लोगों के जो पकौड़े वो सॉफ्ट बनेंगे। और हाँ, इसे ना इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है, ठंडे पानी से नहीं करा है क्योंकि विंटर्स भी है ना, तो इसके लिए मैंने गुनगुना पानी लिया। मैं आटा जैसे भी गूंथती हूँ वो भी मैं गुनगुने पानी से गूंथती हूँ क्योंकि सॉफ्ट होता है, अगर आप ठंडे पानी से करोगे तो वो थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा। तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करी है, थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, और यहाँ पे मैंने हल्का सा गरम मसाला, नमक,
ही ऐड करा है। कई लोग हल्दी भी ऐड करते हैं, बट मैंने हल्दी ऐड नहीं करी है। और हाँ, मिर्च भी ऐड करनी है, क्योंकि ना अब पकोड़े बन रहे हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी बनाने पड़ते हैं, मन कर जाता है खाने का। मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाए थे, क्योंकि ऐसे खाने में मज़ा भी आता है। तो बस इसको मैंने ना सारे मसाले डाल दिए हैं, और अब हम अपना जो तेल है वो ढक देते हैं गर्म होने के लिए, और बना लेते हैं फटाफट पकौड़ी। और ये जो हम बैटर बनाते हैं, बैटर हमारा बिल्कुल मीडियम में होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। अगर आप मीडियम पे रखते हो तो भी आपके जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, अगर आप ज़्यादा टाइट रखोगे तो वो पकोड़े ज़्यादा हार्ड बनेंगे। मैं पहले ऐसे ही करती थी, टाइट रखती थी, मुझे लगता था कि गोल गोल बनेंगे और अच्छे बनेंगे, बट मैं अगर जब भी टाइट रखती हूँ ना बैटर, तो मेरे हमेशा पकोड़े ना पत्थर जैसे बनते हैं। अब मैंने ऐसे ट्राई करा सूजी डाल के भी, तो भी मेरे पकोड़े अच्छे बनते हैं, और मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मेरे तो सॉफ्ट बने हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि हींग हो गया, लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, और काली मिर्च लिया। अगर आप मोटी इलायची खाते हो तो मोटी इलायची ले सकते हो। और ये देखो, मैं यहाँ पर पकौड़े दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट से ये टूट गया है। बस यहाँ पर तड़का लगा लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा डाल दिया है, जीरा और लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल दिए, दालचीनी वगैरह। उसके साथ साथ मैंने डाल दी हैं ये प्याज, मैंने प्याज को चॉप किए हैं ब्लेंडर में अच्छे से। तो बस इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है गार्लिक जिंजर की पेस्ट। अगर आप साबुत वाली यूज़ करते हो तो आप वैसे डाल सकते हो, तो मैं तो पेस्ट ही यूज़ करती हूँ, मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है। तो आज ना हमें इसमें क्या करना है, प्याज के बीच में ही मसाले डालने हैं, टमाटर में नहीं डालने, प्याज के बीच में डालने हैं। आप जब प्याज के बीच में डालते हो ना मसाला, तो सब्जी का टेस्ट ना और अच्छा हो जाता है। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, नमक और गरम मसाला। तो बस इसे अच्छे से हिला लेंगे और इसका वेट करेंगे जब तक ये प्याज में से तेल ना छूट जाए। तो अभी आप देख सकते हो प्याज में से तेल छूट चुका है। तो इसके साथ साथ हम डाल देंगे टमाटर प्योरी, जो कि मैंने ब्लेंड करी है, और ये अब अच्छे से हिला लेंगे। और बस इसका अब हम वेट करेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो अभी आप देख सकते हो कलर जो है छोड़ दिया है और तेल भी निकल ही आया है। तो बस इसमें हम डाल देंगे अपने पकोड़े जो हमने फ्राई करे हैं। थोड़े से रख लूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड घर पर नहीं है, वो गए हैं अपने घर में वेजिस ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने के लिए गए हुए मार्केट में, आज वो अकेले ही गए हैं। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और ये आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है जितना आपको पसंद है। तो ये अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी इसको बॉईल करेंगे तो पानी कम हो ही जाएगा, और जो घिया है वो सोख भी लेता है पानी को, तो गाढ़ी भी हो जाती है थोड़ी देर रखे रहे ना। तो बस इसमें मैंने डाल दी है कस्तूरी मेथी, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सूखा धनिया। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्जी में, चाहे सूखी सब्जी हो चाहे ये तरी वाली सब्जी हो। तो बस इसको अच्छे से हिला लेना है, और 5 मिनट इसको अच्छे से बॉयल देना है, देन हमारी सब्जी बन जाएगी। और कब तक किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर, और ये वाली रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और सच में गाइस बहुत ही अच्छे बने थे, आप लोग ज़रूर ऐसे ट्राई करना, बेहद अच्छे बनेंगे, ट्रस्ट मी गाइस। तो बस हमारा डिनर हो चुका है, और मैंने अपने किचन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो बस यहाँ पर जो रूम में मैस करके जाते हैं पति देव और बेटा, उसको क्लीन कर रही हूँ। और मैंने पहले सोचा था कि मैं यहीं एंड कर लूँगी, बट मैं एंड नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो बोला भी नहीं जा रहा था, ऊपर से ना बहुत सारा काम था, क्योंकि हस्बैंड ले आए थे वेजीज जिसमें मटर बहुत सारे थे, मेथी हो गई, धनिया हो गया, ये सारी ग्रीन सब्जी जो होती है उनको करने में बहुत टाइम लगता है। तो मॉर्निंग में मुझे करने से अच्छा नाइट में सही लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर इसे लेके बैठो ना आधा दिन तो मतलब गया। मैं सही बता रही हूँ, मैं रात को भी 10:30 के आसपास मैं बैठी थी करने के लिए, और पूरे मुझे मतलब 2 से 2.5 घंटे लग गए थे करते करते।
मुझे 12:30 हो ही गया था मुझे ये छीलते छीलते मटर। और अभी आप देख सकते हैं कितने सारे छिलके वो वहाँ पर दूसरी ब्लू वाली टोकरी में हैं, और यहाँ वाले में देखो कितने सारे मटर हैं। मैं सच में छील छील के पागल हो गई थी। और ये देखो मेथी वगैरह है। तो चलो गाइस इसे मैं अच्छे से क्या छील लेती हूँ सारे, और जो मेथी वगैरह उनको क्लीन कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर साथ साथ अपना देख रही थी सीरियल, क्योंकि लेट हो गया था ना बहुत, और मेरे को अकेले बैठना मतलब अकेले बैठ के ये काम करना बोरिंग भी लगता है, और सही बताओ तो डर भी लगता है अकेले बैठना। इसलिए मैं रात को एडिटिंग भी करती हूँ ना, टीवी चलता रहता है बट उसको मैं लो वॉल्यूम पे करती हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है रूम के अंदर है आवाज़ आ रही है ठीक है। तो मैं अकेले तो ऐसे भी नहीं बैठ सकती, ऐसा कौन कौन है मेरे जैसे तो बताइएगा, ज़रूर बताना। मैं नहीं बैठ सकती सच में अकेले, तो बस ऐसे ही टीवी भी चल रहा है तो नज़रें चली ही जाती है टीवी में। गुड मॉर्निंग। तो अभी 9:30 हो गई है और 9:30 हो चुकी है, और आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया था ना, कितना फॉगी फॉगी से था, बहुत ज्यादा फॉग थी, कुछ नहीं दिख रहा था, इवन सामने वाले रोड है वो भी नहीं दिख रही थी। तो ये भी जल्दी उठ गया है और आज इसकी ट्यूशन छुट्टी है। रात को मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और मेरे ना टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बीच में भी मेरे को हुआ था, 6 मंथ में ना होता ही रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन था, बोला भी नहीं जा रहा था। और रात को ना मैंने खाना भी सेवता हूँ तो कम खाया था, और रेसिपी कैसी लगी बताना ज़रूर। और बस मैंने रात को ना जो हरी सब्जी वगैरह है, मटर, और इतने सारे मटर ले आए थे, मटर छीलने में इतना टाइम लग गया, फिर मेथी वगैरह बहुत टाइम लग गया था, तो बस मैंने तब एंड नहीं किया। 12:30 बज गई थी मुझे वो करते करते, मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में उसका एंड कर लेंगे वीडियो का, और थोड़ी सी आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो अभी 9:30 हो रही है, आधा घंटा हो गया हमें उठे हुए, और ना रजाई से निकलने का सच बताऊँ तो मन नहीं कर रहा है कि कोई खड़े के काम करा जाए, क्योंकि आज बहुत ठंड है। 2 दिन से ना ऐसे हो रहा था, ठंड नहीं थी, सुबह शाम की ठंड लग रही थी, दिन में ठंड नहीं लग रही थी, तो बट आज ठंड हो ही गई है। मतलब क्या, एक बार या तो ठंड रहे, एक बार या तो गर्मी आ जाए, तो क्या हो रहा है। सो या मैंने फाइनली अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। तो मेरे चैनल का नाम आज से है आरती ब्यूटी एंड ब्लॉग्स, एंड थैंक यू। मैं प्रिया दी को भी बोलना चाहूँगी, प्रिया दी कौन सी बता दूँ, जिनका चैनल का नाम है प्रिया ब्यूटी जोन, उनसे मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, मैं उनको मैसेज करती रहती हूँ तो वो मुझे रिप्लाई कर देती हैं। तो मैंने उनसे फेवर लिया था कि आप मुझे बताओ कि मेरे चैनल के लिए कौन सा नाम अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दिए थे वैसे उनको ही बताए थे, तो उन्होंने सेलेक्ट किया था आरती ब्यूटी ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच दी मुझे रिप्लाई करने के लिए, मेरे चैनल का नाम सजेस्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट कि आप हर किसी का रिप्लाई करते हो। आपका कोई ऐसा नहीं है कि मैं इतने बड़े लेवल पे हूँ तो मैं क्यों किसी का रिप्लाई करूँ, तो आप ऐसे नहीं हो, आप हमेशा सबका रिप्लाई करते हो। नन्नू कहाँ है, नन्नू क्या कर रहा है, नन्नू क्या कर रहा है, फ़ोन पे लूडो खेल रहा है, आज इसकी ट्यूशन की छुट्टी है तो इसकी मस्ती है। तो बस मैं व्लॉग का एंड यहीं करने वाली हूँ, बड़ा नहीं करती हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसके साथ मुझे बेल आइकन है उसको ऑन कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।